ईद के दिन है ना, बहुत मतलब ईदी से भी बढ़ के चीज दी। 2 महीने से जो चीज के लिए तरस रहे थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आप सबको और आपकी फैमिली को तहे दिल से। और आज ईद की नमाज़ मस्जिद में नहीं हुई, ईदगाह पे नहीं हुई, यहाँ पे हम टेरिस पे फैमिली के साथ नमाज़ पढ़े। तो बस सुबह के 7 बज रहे, थोड़ा जल्दी हो गई नमाज़, अभी मिलते हैं। शिरकुरमा पीना है, आँखों में नींद भी है क्योंकि रात भर जागा हूँ। अभी मैं स्काई के घर पे हूँ और इसने है ना ईद के दिन, ईद मुबारक बोल दो, ईद मुबारक। ईद के दिन है ना, बहुत मतलब ईदी से भी बढ़ के चीज़ दी। 2 महीने से जो चीज़ के लिए तरस रहे थे, रमजान में भी नहीं मिला खाने के लिए, नान गलिया। अभी हम से घर पे है, शेरकुरमा तो चल ही रहा है, लेकिन अभी नान गलिया खाएंगे, उसके बाद कहीं जाना है। हर साल ईद के दिन नियर अबाउट 2 लाख पब्लिक नमाज के लिए आती है और आज सब खाली है। मतलब पिछले 400 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि ईदगाह पे नमाज नहीं पढ़ाई गई, इतना सन्नाटा है। तो बस यही आपको दिखाना था, तो यही था। जहाँ तक हमारी रिसर्च है, 400 साल पहले ईदगाह बनाई गई थी, तब से अभी तक कभी नमाज यहाँ पे ईद और बकरीद पे नमाज़ पढ़ाई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईद के दिन नमाज नहीं हुई। लेकिन इस साल पहली बार सिर्फ और सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इवन ईदगाह ही नहीं, औरंगाबाद की किसी मस्जिद में नमाज नहीं हुई। हम सब ने घर पे ही नमाज़ पढ़े है, 2-5 लोग ने सब बनाकर, तो सबकी घर पे ही नमाज हुई है। तो ये सीन है, ये दिखाना था आपको। और ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कि ये डॉक्यूमेंट होकर ये यूट्यूब पर रहेगा इन फ्यूचर लाइफ में, 5 साल 10 साल आप लोग या हम कभी देखेंगे तो ये भी हुआ था, तो ये इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। से लॉकडाउन चालू है हमारे देश में, तो ठीक है यार, अभी ये बुरा वक्त है, कट जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी अब सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने सब ने दुआ की है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इवन हम लोगों ने शॉपिंग भी नहीं की है, सब ये पुराने कपड़े में ईद बना रहे हैं, ऐसे ही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि ज़रूरी है। और एक बात आपको पता ही होगा, आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इसका है? भाई अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। और उसके अलावा क्या चल रहा है? अर्तुगरल गाजी एक सीरियल है, जो टर्किश सीरियल है, जो बहुत पूरा लॉकडाउन निकाला हमारा उसने, बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है क्योंकि उसका सीजन वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। तो टर्किश सीरियल है, इस्लामिक सीरियल है, उस पर इस्लामिक हिस्ट्री है दिखाई गई है उस टाइम की, उस दौर की, तो वो देख रहे हैं हम लोग। तो उसके अंदर एक चीज़ है, हम लोग ईद पे क्या करते हैं इसका है? गले मिलते। तो उसके अंदर एक चीज़ है, क्या कैसा करते हैं इसका है, पता? हाँ ओके,
एक सेकंड सुल्तान। हाँ तो ऑल इज वेल, मतलब जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, उसमें गले नहीं मिलते, हाथ भी नहीं मिलता, शेक हैंड भी नहीं करते वो लोग, ऐसे ना यहाँ पे हार्ट पे हाथ रख के बस ऐसे करते। तो इस साल ईद हम ऐसे ही बनाएंगे, दोस्त आपका जो भी मिलेगा दो तीन कदम दूर, और वन हैंड ईद मुबारक, वन हैंड डिस्टेंस भी जरूरी है। तो जो स्कूल में हमको सिखाते थे ना, याद है कि मेंटेन वन हैंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये इसीलिए था शायद। तो शायद उनको पता था। तो हम लोग अभी यहीं इसलिए आए थे कि आप लोग देख सके क्या चल रहा है, और ये चीज़ याद रखो ऑलवेज, ईद मुबारक आप सबको। तो अभी बात ऐसी है, जैसे हम बात कर रहे थे अर्तगल गाजी की, तो यार अभी क्या है ना, अर्तगल गाजी है ना, रात भर देख रहे थे, इवन मैं कल रात में भी पूरा वही देखा, रात भर सोया नहीं, सुबह नमाज तक जागा, और अभी आ रही है नींद। तो अभी हमको क्योंकि भाई साहब ने शुरखुरमा पे शुरखुरमे पिए है, मैंने मत और उसके ऊपर से जो बोलते ना शुरखुरमे पे नमक नान गलिया नान गलिया, मतलब सादात कटोरे शुरखुरमे भजी है, तलन के सारे आइटम, चना पूरी, फिर नान गलिया, तो ये सब चीजें अंदर गई है और रात भर जागे है, तो अब क्या आएंगी नींद नींद नींद। तो अभी हम सोकर उठते और फिर मिलते। अरे भाई यही नहीं सुना, घर पे नहीं, घर पे जाके सो। चलो चलो, नींद आ रही है बाबा, ओवर एक्टिंग, ₹50 काटो इसकी ओवर एक्टिंग है मेरे, ₹50 कमेंट करो रे, ₹50 देने के नहीं देने। नहीं यार जमीन नींद आ रही है, अब मैं सच में आप बस गिर जाऊंगा। चलो सोकर उठते फिर मिलते। वंस अगेन ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को, आप सबको, मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों की तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक आप सभी को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी ब्लॉग, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। ईद पे हम सब लोग ने दुआ की है, रमज़ान में पूरे रमज़ान हमने दुआ की है कि ये जो वक्त है बस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, हम इस मुसीबत से निकल जाए, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। क्या बोलते हैं? आमीन।